ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देर रात तक चले महामंथन के बाद आज शाम 6 बजे होने वाले मोदी मंत्रिमंडल के सबसे बड़े फेरबदल का खाका तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मोदी 2.0 में होने वाले इस पहले बड़े फेरबदल के बाद यह मोदी कैबिनेट आजादी के बाद से अब तक की सबसे युवा कैबिनेट होगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त करने के साथ यह साफ हो गया था कि यह फेरबदल और विस्तार काफी बड़ा होगा, जिसमें करीब 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को तो शामिल किया ही जाएगा और साथ ही कुछ पुराने चेहरों को हटाया भी जाएगा। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लगभग सभी प्रमुख नेताओं को सूचना दे दी गई है और ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में युवाओं को खास तौर पर तरजीह दी जाएगी। इसी कड़ी में राजस्थान के चूरू से युवा सांसद 37 वर्षीय राहुल कसवा और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी को मोदी कैबिनेट में एंट्री लगभग तय हो गई है। हालांकि CP जोशी का कहना है कि देर रात तक उन्हें दिल्ली से बुलावा नहीं आया। कुछ दिग्गज नेताओं को सरकार से संगठन में भेजा जा सकता है। उन्हें उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित उन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जहां 8 से 12 महीने में चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 1 माह में अपने सभी मंत्रियों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। इसके चलते लगभग 0.5 दर्जन मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। साथ ही लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें लगभग 0.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। जिन प्रमुख नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे प्रमुख हैं। समीक्षा में जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि यह आगे आने वाले विधानसभा चुनाव और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जिन नए चेहरों की चर्चा है, उनमें बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद अजय मिश्रा, सकलदीप राजभर, विनोद सोनकर, महाराष्ट्र भाजपा के सांसद कपिल पाटिल, हीना गावित, ओडिशा से आने वाली सांसद अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश की लोकसभा सांसद संध्या राय व हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल हैं। इस विस्तार में भाजपा सहयोगी दलों को भी मजबूती से अपने साथ करना चाहेगी। जदयू ने साफ किया है कि वह सरकार में शामिल होने जा रही है और सब कुछ तय हो गया है। जदयू से RCP सिंह समेत 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल, लोजपा के पशुपति पारस, निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को भी जगह मिल सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में बदलाव संभव है। वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल को तरक्की दी जा सकती है। वहीं बंगाल से भाजपा सांसद एस ठाकुर, कर्नाटक के ए नारायण सामी, मणिपुर से RR सिंह, UP के सकलदीप राजभर, अनिल बलूनी, सुधांशु त्रिवेदी, सुशील मोदी, अश्विनी वैष्णव, GVL नरसिम्हा राव के नाम पर भी मंत्री पद के लिए चर्चाएं हैं। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस और उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत मंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव सदन के नेता और कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर के विभाग कुछ कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार देर शाम सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक अलग सहयोग मंत्रालय बनाया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय सृजित करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी की टूट का असर भी मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में दिखने वाला है। लोजपा से पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसके खिलाफ चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि लोजपा में हाल ही में टूट हुई थी और पशुपतिनाथ पारस ने 6 में से 5 सांसदों के साथ संसद में नेता बनाए गए थे। बाद में उन्होंने खुद को लोजपा का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया था, जबकि लोजपा के पहले से अध्यक्ष चले आ रहे चिराग पासवान ने अपने नेतृत्व वाली पार्टी को असली लोजपा करार दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।